नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। आज मैं लियो टॉल्स्टॉय की एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी सुनने के बाद आपके जीवन की दशा और दिशा पूरी तरह से बदल जाएगी। तो मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाने के लिए देवदूत आया, लेकिन चिंता में पड़ गया क्योंकि तीन छोटी छोटी लड़कियां, तीन जुड़वा लड़कियां, एक अभी भी उस मृत स्त्री से लगी हुई थी, एक चीख रही थी, पुकार रही थी, और एक रोते रोते सो गई थी। उसके आंसू उसकी आंख के पास सूख गए थे। तीन छोटी जुड़वा बच्चियां मर और स्त्री मर गई थी और कोई देखने वाला नहीं था। उसका पति तो पहले ही मर चुका था, परिवार में और भी कोई नहीं था। इन तीन छोटी बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को यह ख्याल आया तो वो खाली हाथ वापस लौट आया। उसने जाकर अपने प्रधान को कहा कि मैं ना ला सका, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपको स्थिति का पता ही नहीं है। तीन जुड़वा बच्चियां हैं, छोटी दूध पीती है, एक अभी भी मृत से लगी हुई है, एक रोते रोते सो गई है, दूसरी अभी चीख पुकार रही है। हृदय मेरा नहीं ला सका, मैं इस काम को नहीं कर सकता। मैं उन तीनों बच्चियों को, अनाथ बच्चियों को कैसे अनाथ कर सकता हूँ? और अगर हो सके तो आप उस स्त्री को थोड़ा और जीवन दान दे दीजिए, कम से कम वो बच्चियाँ बड़ी तो हो जाए। इस पर मुस्कुराते हुए मृत्यु के देवता ने कहा, तो तू फिर समझदार हो गया। उससे ज़्यादा जिसकी मर्जी से मौत होती है और जिसकी मर्जी से जीवन होता है। तो तूने पहला पाप किया है और उसकी तुझे सजा मिलेगी। और सजा यह है कि तुझे पृथ्वी पर चले जाना पड़ेगा, और जब तक तू तीन बार न हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, तब तक वापस ना आ सकेगा। इसे थोड़ा समझना होगा दोस्तों, तीन बार ना हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, क्योंकि दूसरे की मूर्खता पर सब हंस लेते हैं, लेकिन जब मनुष्य अपनी मूर्खता पर हंसता है तो उसका अहंकार टूटता है। देवदूत को बुरा नहीं लगा, वो राजी हो गया दंड भोगने के लिए, लेकिन फिर भी उसे लगा कि मैं तो सही हूं, मुझे हंसने का मौका कैसे मिलेगा। तो उसे रूस की जमीन पर फेंक दिया गया। एक मौची सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे, बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर जा रहा था, कुछ रुपए थे उसके पास। जब वह शहर जा रहा था तो उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को पड़े हुए ठिठुरते हुए देखा। यह नंगा आदमी वही देवदूत था जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस मौची को दया आ गई और अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के बदले उसने उस आदमी के लिए कपड़े और कंबल खरीद लिए। इस आदमी को कुछ खाने पीने को भी नहीं था, घर भी ना था, छप्पर भी नहीं था। तो मौची ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन एक समस्या है, मेरी पत्नी नाराज होगी। निश्चित ही वो नाराज होगी क्योंकि बच्चों के कपड़ों के बदले मैंने तुम्हारे ऊपर खर्च कर दिया है। वो चिल्लाएगी, लेकिन तुम नाराज मत होना, तुम परेशान मत होना, थोड़ी दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर के वो मौची घर पर लौटा है, तो ना तो उस मौची को पता है और ना ही उसकी पत्नी को पता है कि देवदूत घर पर आ रहा है। तो जैसे ही उस पत्नी ने उस देवदूत को देखा, बहुत नाराज हुई, चीखी चिल्लाई, और इस बार देवदूत पहली बार हंसा। तो मौची ने पूछा, हंसते हो, क्या बात है, तुम क्यों हंस रहे हो? तो इस पर उस देवदूत ने कहा, मैं जब तक तीन बार हंस ना लूं तब तक तुम्हें नहीं बताऊंगा। देवदूत हंसा पहली बार कि उसने देखा कि पत्नी को पता नहीं कि जो मौची है वो देवदूत को घर लेके आया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां आ जाएंगी। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर तक सकता है, पत्नी तो इतना ही देख पा रही है कि एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं बचे। जो खो गया है वो देख पा रही है, जो मिलने वाला है मुफ्त में भी मिलने वाला है उसका उसे कोई अंदाजा नहीं है। घर में देवदूत आ गया है जिसके आते ही हजारों खुशियां आ जाएंगी। तो उस देवदूत ने 7 दिनों में उस मौची का सारा काम सीख लिया। उसने इतने शानदार जूते बनाता था कि उसके जूते पूरे नगर में प्रख्यात हो गए। उसे बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे। कुछ ही महीनों में वो मौची काफी धनी हो गया। आधा साल होते होते उसकी सारी ख्याति पूरे लोक में पहुंच गई। उसके जैसा जूते बनाने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि वो जूते देवदूत बनाता था। सम्राटों के जूते वहां बनने लगे, धन अपरम पार बरसने लगा। एक दिन सम्राट का आदमी आया
उसने कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं है, कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए, जूते ठीक तरह के बनने चाहिए, और ध्यान रखना जूते बनाने हैं स्लीपर नहीं, क्योंकि रूस में जब कोई आदमी मर जाता है तो उसको स्लीपर पहनकर मरघट पर ले जाया जाता है। तो मोची ने भी देवदूत को कहा, बड़े स्पष्ट ढंग से समझाया कि स्लीपर मत बनाना, जूते बनाने हैं, स्पष्ट आज्ञा है जूते बनाने, और ये चमड़ा काफी महंगा है, अगर कोई गड़बड़ हुई तो हम दोनों मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन फिर भी देवदूत ने स्लीपर बनाए। अब जब उस मोची ने देखा स्लीपर बना दिए तो क्रोध से आग बबूला हो गया, उसने लकड़ी उठाई और उस देवदूत को मारने लगा और कहा कि मैंने तुझे बार बार कहा था कि स्लीपर नहीं बनाने हैं, जूते बनाने हैं। देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसने लगा। तभी सम्राट का आदमी दौड़ा दौड़ा आया, उसने कहा जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। तो दोस्तों भविष्य अज्ञात है, सिवाय उस ईश्वर के किसी को नहीं पता कि भविष्य में क्या होने वाला है, और आदमी जो निर्णय लेता है वो अतीत के आधार पर लेते हैं। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मगर सम्राट मर गया तो स्लीपर चाहिए। तब वह मोची उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगा, कह रहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मारा। उसने कहा कोई हर्ज नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूं। लेकिन वह हंसा, आज दोबारा हंसा। मोची ने फिर पूछा कि तुम्हारी हंसी का कारण क्या है। इस पर देवदूत ने कहा कि जब तक मैं 3 बार हंस नहीं लेता मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। दोबारा हंसा इसलिए कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हमें आ रही आकांक्षाएं करते हैं जो कि व्यर्थ है, हम अभिप्सायें करते हैं जो कभी पूरी नहीं होगी, हम मानते हैं जो कभी नहीं घटेगा, क्योंकि कुछ और घटना ही तय है। यहां सब कुछ उस ईश्वर की मर्जी से होता है, और ईश्वर वही करता है जो उस मनुष्य के लिए श्रेष्ठ था। और तीसरी घटना घटी। एक दिन 3 लड़कियां आई, जवान लड़कियां, खूबसूरत लड़कियां, उन तीनों की शादी हो रही थी। उन तीनों ने जूते के ऑर्डर दिए थे जूते बनाने के लिए। एक बूढ़ी महिला उनके साथ आई थी जो काफी धनी थी। देवदूत पहचान गया कि ये तो वही 3 लड़कियां हैं जिनको मैं उनकी मृतक माँ के पास छोड़कर आया था, और उनकी वजह से मैं ये दंड भोग रहा हूं। वे तीनों बच्चियां तो काफी स्वस्थ हैं, काफी सुंदर हैं, उसे काफी अच्छा लगा। तो उसने उस पूछा कि ये बूढ़ी औरत कौन है। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये मेरे पड़ोसन की लड़कियां हैं। गरीब औरत थी, उसके पास पैसे नहीं थे, लत्ते नहीं थे, दूध पिलाते पिलाते मर गई, लेकिन मुझे दया आ गई, मेरे कोई बच्चे नहीं थे तो मैंने इन 3 बच्चियों को पाल लिया। अगर माँ जिंदा रही होती तो ये 3ों बच्चियां गरीबी, भूख और दीनता और दलिता में बड़ी होती। माँ मर गई इसलिए बच्चियां 3ों बहुत बड़े धन, वैभव और संपदा में पली, और अब उस बूढ़ी की सारी संपदा की ये 3ों मालकिन थी, और इनका सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत 3री बार हंसा और मोची ने उससे कहा कि मेरे हंसने के ये 3 कारण हैं। भूल मेरी थी, नियति बड़ी है, और हम उतना ही देख पाते हैं जितना हमारी आंखों के लिए संभव होता है, हमारी दृष्टि काफी छोटी है, और जो हम देख पाते हैं उससे हम कोई अंदाज नहीं लगा पाते कि क्या होने वाला है। इसलिए मैंने 3 बार अपनी मूर्ता पैसा, और सबसे बड़ी मूर्ता मेरी ये थी कि मैंने ईश्वर के निर्णय पर संदेह उठाया था। इसलिए दोस्तों जो भी होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है, और ईश्वर वही करता है जो होना चाहिए, जो श्रेष्ठ होता है। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।